हे एवरीवन, सलित इज हियर। तो कैसा रहा आपका रिजल्ट? उम्मीद करता हूँ आपका अच्छा रिजल्ट रहा हो। आज मैं बात करने जा रहा हूँ अपने कॉलेज के बारे में, यानी AIIT पुणे के बारे में। जैसा कि आप सभी ने कमेंट सेक्शन में पूछा है कॉलेज के बारे में, रिव्यू कैसा है कॉलेज का और प्लेसमेंट या कितनी कट ऑफ रहती है कॉलेज के बारे में, तो ये सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट है, ये वो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जो मैं आगे वीडियो में कवर करने वाला हूँ। पहला जो है पॉइंट है वो नोटिस के बारे में, जो कि AIIT पुणे के द्वारा निकाला गया है नोटिस, उसके बारे में। सेकंड में बात करूंगा फीस स्ट्रक्चर कितनी है, कैसे कितनी फीस है, अकेट्स की कितनी है, हॉस्टल कितनी है, वो सारी फीस के बारे में बताऊंगा मैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में बात करूंगा। फोर्थ पॉइंट है गैलेंट्री अवार्ड्स, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है आपके फाइनल AIIT मेरिट लिस्ट में, उसके बारे में बात करूंगा। और फाइनली मेरिट लिस्ट जो आपकी बन के आती है, लास्ट ईयर कितनी थी, कितनी कट ऑफ थी, उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। तब तक बने रहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ नोटिस के बारे में। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि आर्मी कॉलेज है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आर्मी बोर्ड्स के लिए ही एलिजिबल होते हैं इस कॉलेज में आने के लिए। लेकिन इसी ईयर से हमारे इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्सेस के लिए भी कुछ सीट्स हैं उनके बोर्ड्स के लिए। तो अगर बात करूँ मैं यूजी की, तो टोटल सीट्स हमारी 480 सीट्स हैं। उसके अंदर आर्मी बोर्ड्स के लिए 464 सीट्स एंड नेवी के लिए बोर्ड्स के लिए 5 और एयरफोर्स बोर्ड्स के लिए 11 सीट्स रखी गई हैं। वैसे ही आप पीजीए के बारे में भी देख सकते हैं, 24 है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से है। और कुछ चीज होती है, जैसे कि हमारा सेकंड पॉइंट है प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बात करें तो कैंडिडेट को ऐसे सर्टिफिकेट में सबमिट करना पड़ता है जब आप आएंगे या जब भी आप हमारा ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे AIIT का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सबमिट करना पड़ेगा सर्टिफिकेट, जिससे ये प्रूफ हो जाए कि आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं या आपके फादर मदर है, जो भी कुछ है, जैसे कि आपका हमारा डिपेंडेंट कार्ड हो गया, तो ये आपको प्रूफ वहाँ देना पड़ेगा। और जो कुछ भी दूसरी हमारी एलिजिबिलिटी कंडीशन होती है, जो कुछ भी AIIT प्रोस्पेक्टस होता है, उनको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। यूजी कोर्सेज की बात करें, हम यूजी कोर्स की बात करें तो इसके अंदर अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जैसा कि आप देख चुके हैं, उसकी जो कॉस्ट है 750 है, उसकी जो लास्ट डेट थी उसकी अगर बात करूँ वो 15 अप्रैल थी, लेकिन उसे एक्सटेंड कर दिया गया है, वो 30 अप्रैल कर दी गई है। और लेट सबमिशन की बात करें, लेट जो फीस की बात करें तो 12 है, वो 15 मई कर दी गई है। और जो लेट फी लगेगी वो 500 रुपये आप पे लगेगी। एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, जो कि हम सभी जानते हैं JEE Mains के बेसिस पे यहाँ पर एडमिशन होता है, और जो मेरिट लिस्ट है वो JEE Mains के रैंक जो आई है उसके बेसिस पे ही बनाई जाती है। लेकिन एक फैक्टर होता है गारंटी अवार्ड्स का, उसके बारे में आगे बात करूंगा कि उसका कितना इफेक्ट पड़ता है और क्या पड़ता है कॉलेज के। और उसके बाद अगर बात करूँ सीट मैट्रिक्स की, तो कंप्यूटर साइंस में हमारी 120 सीट्स हैं, IIT में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारे 120 सीट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 120 सीट्स हैं, मैकेनिकल में हमारी 60 सीट्स हैं एंड ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स में हमारी 60 सीट्स हैं। तो फर्स्ट ईयर फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ, अकेडमिक फीस में अगर ट्यूशन फीस की बात करूँ तो 1,86,320 रुपीज़ है। डेवलपमेंट फीस भी 21,500 और 140 ये है। बाकी सारे आप फीस देख सकते हैं, वाईफाई और ये ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी और हमारी ट्रेनिंग फीस, सारी ओवरऑल देख के हमारी ओवरऑल फीस बन जाती है कैट्स की, वो बनती है 2,21,570 रुपीज़। उसी प्रकार से हॉस्टल फीस आप देख सकते हैं, 53,840 है। वाईफाई का अलग से है, बार बार मेसिंग लॉन्ड्री, ये सारे चार्जेस आप देखेंगे तो 1,03,990 रुपये बनती है। और वन टाइम फीस फॉर इंटायर कोर्स की बात करूँ, तो रजिस्ट्रेशन फीस की बात करूँ, तो रजिस्ट्रेशन भी फर्स्ट ईयर है तो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी हमारी कुछ 3,970 रुपीज़ के बाहर हमारा लगेगा। वैल्यू एडेड कोर्सेज की फीस अलग लगेगी, यूनिफॉर्म की फीस आपकी अलग से लगेगी। और एक आपको ऑलरेडी आर्मी कॉलेज है तो रूल बुक, तो आपको रूल्स रेगुलेशन होंगे तो रूल बुक भी आपको मिलेगी, उसकी अलग से फीस है। तो ओवरऑल ये सारी मिलाकर के हमारी फीस हो जाती है 41,380। और अगर पूरी साल की अगर बात करूँ तो ओवरऑल फीस है वो 3,66,850 रुपीज़ है। हाँ फीस थोड़ी ज्यादा है और इसलिए थोड़ी सी इंक्रीज भी करी गई है, अबाउट 18,000 फीस इंक्रीज हो गई है। लास्ट ईयर इतनी नहीं थी तो इस बार थोड़ी सी फीस इंक्रीज भी हुई है, इस चीज को आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट अगर बात करूं एलिजिबिलिटी का, तो जैसा कि आपको मैं पहले स्टार्टिंग बता चुका हूं कि आर्मी कॉलेज है तो आर्मी बोर्ड्स के लिए ही है। तो यहां पर जो कैंडिडेट है या जो भी चाइल्ड है जिनके पेरेंट्स रिटायर हो चुके हैं, तो उन्हें एटलीस्ट 10 ईयर्स तो सर्व किया हो उन्हें आर्मी नेवी या एयरफोर्स में, तो वो भी एलिजिबल होंगे कॉलेज के अंदर आने के लिए। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हमारा यहाँ आ जाता है, वो आता है बोर्ड्स ऑफ आसाम राइफल्स हो गए, GREF हो गए, BSF हो गए, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई, या कोई भी डिफेंस सिविलियंस हो गए, तो एटसेट्रा जो भी हैं उनको यहाँ पर कंसिडर नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ आर्मी वालों को ही यहाँ कंसिडर किया जाता है, और इसी ईयर से नेवी और एयरफोर्स को भी कुछ सीट्स हमारी हैं कॉलेज के अंदर।
और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा AIIT मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर होती है गैलेंट्री अवार्ड्स के बेसिस पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके पेरेंट्स ने किसी को भी अगर परमवीर चक कोई भी गैलेंट्री अवार्ड, अगर बात करें परमवीर चक, अशोक चक, महावीर चक, प्रीति या बारबिडोस है, या कोई भी कैजुअलिटी हो गई है फिजिकल कैजुअलिटी ड्यूरिंग वॉर्स के दौरान, तो अगर बात करूँ उसका वेटेज कुछ यहाँ पर दिया गया है परसेंटाइल की बात करें तो ये कुछ इंक्रीज हो जाती है परसेंटाइल, जिससे आपकी क्या हो जाती है रैंक थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। AIIT मेरिट लिस्ट में आपका नाम ऊपर आता है तो आपकी ब्रांच अपग्रेडेशन या ब्रांच ब्रांच मिलने के चांसेस आपके इंक्रीज हो जाते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट जो है वो ये स्टे इन हॉस्टल इज मैंडेटरी फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होते हैं उन्हें मतलब हॉस्टल में ही रहना ही पड़ेगा, आप चाहें तो बाहर नहीं। ऑब्वियसली आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, आपने अभी इससे पहले आपने JEE की तैयारी की होगी, कोटा रहे हो, या आप घर पे भी किए, तो ऑब्वियसली आप कॉलेज आना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, तो कॉलेज में हॉस्टल में रहोगे, हॉस्टल लाइफ एंजॉय करोगे, तो वो ऑब्वियसली आप लोग बाहर नहीं रहोगे, मुझे भी पता है। लेकिन हाँ मैंडेटरी है, अगर कोई होता है जिसे बाहर रहना है कि फैमिली के साथ अगर रहना चाहते हैं तो नहीं, फर्स्ट ईयर में आपको कॉलेज के अंदर रहना ही पड़ेगा। मेरे ही फ्रेंड थे एक जो कि डिग्गी में ही उनका घर था, यहाँ पास में, डिग्गी मतलब यहाँ पर हमारे कॉलेज से पास में और 3 किलोमीटर दूर डिस्टेंस में एक जगह है, तो उनका घर वहां था, लेकिन फर्स्ट ईयर में उन्हें भी यहाँ पर कॉलेज में हमारे साथ ही रहना पड़ रहा है। सेकंड ईयर से हो सकता है, सेकंड ईयर से वो अपने घर पर जाकर रह सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको मैंडेटरी रहता है, कोई कुछ भी आपकी नहीं सुनी जाएगी, आपको कॉलेज में फीस आपको देनी पड़ेगी, हॉस्टल की आपको रहना ही पड़ेगा। अगर एंटायर फीस होती है वो वन टाइम फीस होती है, आपको भरनी पड़ेगी, कोई भी फीस में आपकी कम नहीं होगी, और ऑनलाइन पेमेंट आपका कर दिया जाएगा AIIT वेबसाइट के द्वारा। और अगर बात करें क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन की, तो क्वालिफिकेशन के बारे में तो बता नहीं है, 12th पास होने चाहिए, 75% से ज्यादा आपकी होनी चाहिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री, तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, और फिजिक्स और मैथ तो कंपलसरी सब्जेक्ट आपके होने ही चाहिए कॉलेज के अंदर। एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो JEE मेंस के बेसिस पे होता है। अगर बात रही ये पॉइंट जो है अर्ली एडमिशन की बात रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि फर्स्ट ईयर किसी और कॉलेज से कर ली इंडिया के, लेकिन वो अगर यहाँ पर कॉलेज में आना चाहते हैं तो वो फर्स्ट ईयर के लिए री एडमिशन उनके यहाँ पर एलिजिबल बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर इन्हें एलिजिबल नहीं माना जाएगा। जिन्होंने अपनी फर्स्ट ईयर किसी भी इंस्टीट्यूट से की है कंट्री के अंदर, वो एलिजिबल नहीं है री एडमिशन के लिए इन AIIT। सेकेंड ईयर के लिए कुछ अलग प्रोसीजर होते हैं, उन्हें आना है तो सेकेंड ईयर में आ सकते हैं, लेकिन इसलिए उन्हें फर्स्ट ईयर वहाँ पर क्लियर करनी पड़ेगी, कोई बैक वगैरह नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वो फर्स्ट ईयर में री एडमिशन करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखना। और जैसा कि पीछे बता चुका हूँ गैलेंट्री अवार्ड्स में, तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है वो गैलेंट्री अवार्ड्स अवार्ड वगैरह है, वार विडोज बोनस मार्क्स दे करके बनाई जाती है फाइनल मेरिट लिस्ट। और जहाँ तक कि मेरा अंदाजा है फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो मंथ में जून में ही आ जाएगी, जून में आप बात कर रहे हैं स्टार्टिंग या मिड जून तक आपकी वो मेरिट लिस्ट आ जाएगी। सेपरेट मेरिट लिस्ट की बात करें तो जो हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि सेपरेट मेरिट लिस्ट बनेगी बोर्ड्स ऑफ आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, इस ईयर से हमारे नेवी एयरफोर्स के बोर्ड्स इंक्लूड हुए हैं कॉलेज के अंदर, इसके लिए इनके सब तीनों लोगों की अलग अलग से क्या करने की मेरिट लिस्ट बनेगी। हाँ आप लोग कुछ चीजें साइट वगैरह पर जाकर देख सकते हैं कि कुछ क्लोजिंग रैंक आप दिखाते हैं कॉलेज में, ऐसा नहीं है, मैंने लास्ट ईयर ही देखा था क्लोजिंग रैंक, मैंने पूरा डेटा वगैरह पूरा एनालाइज किया उसे देखा मैंने, कंप्यूटर इंजीनियरिंग आप 48 दिखा रहा है, ऐसा नहीं है, 60,000 तक ये चली जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात में ये हमारी 95 तक ये भी खींच जाती है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमारी 1,10,000 तक चली जाती है, IT हमारी 72-75 तक हमारी ये हो रही होती है, पर एडमिशन हो रहे होते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपकी रैंक थोड़ी सी पीछे है, लेकिन आप क्या करें फॉर्म भर के रखें और मोस्ट प्रोबली आपके चांसेस रहेंगे कॉलेज में एडमिशन आपको मिल जाएगा, तो आप ये सारी चीज देखिए, आपको बिल्कुल डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, तो एडमिशन होने के बहुत चांस बढ़ जाते हैं अगर आपकी रैंक बहुत क्लोज है इनके। आप लोग सोचे हमारी 82 पर क्लोज हो रहा है, 83-84 होता है, ऐसा कुछ नहीं है, 95 तक इलेक्ट्रॉनिक्स में सीटें मिल रही होती है। हाँ ये आप देख सकते हैं लास्ट ईयर कट ऑफ है 23-24 की, बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ जो एडमिशन हुए थे यहाँ पर उसके बेसिस पे। कंप्यूटर साइंस की बात करूँ 99.9 से 96 के बीच में अगर आपकी है तो मोस्ट प्रोबली आपको कंप्यूटर साइंस मिल रही थी लास्ट ईयर। IT की बात करूँ तो आप देख सकते 95.9 से 93.5 तक आप मिल रही थी। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो वो हमारी 90.5% तक मिली थी, और मैकेनिकल 87% तक हमें मिली थी। ये सारा डेटा हमने क्या क्या पूरा एनालाइज किया था AIIT फाइनल मेरिट लिस्ट जो लास्ट ईयर आई थी उसके बेसिस पे, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए कॉलेज के बारे में, टूर करना है, हॉस्टल्स के देखने कैसे हैं, कैंपस देखना है कैसा है, कैंपस टूर करना है, या स्पोर्ट्स के बारे में आपको वीडियो चाहिए, या क्लब्स के वो कितने क्लब्स के बारे में जानकारी चाहिए, तो ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके लिए चैलेंज है 100 लाइक्स, इस वीडियो पर अगर 100 लाइक्स होते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो ऑब्वियसली मैच टूर के बारे में अपलोड करूंगा।